राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है और इसीलिए हम आज 4:30 बजे उठे थे और सुबह व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत अंधेरा था, लाइट आ नहीं रही थी। तो अभी जब उजाला हो गया है तब फिर मैंने बरामदे में झाड़ू लगाया और जीने में भी खूब अच्छे से धुलाई कर दिया, पापा ने दरवाजे धुलाई कर दिया है। दोस्तों, आज है अक्षय तृतीया और आज शुक्रवार भी है और मेरा व्रत भी है। सबको पता ही है कि वैभवलक्ष्मी माँ का हम व्रत रहते हैं शुक्रवार को। वैसे भी आज अक्षय तृतीया है तो घर घर में माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है। आ चुके हैं किचन में और सबसे पहले अपने लिए ये चाय बना लिया है और ये मखाने, क्योंकि फिर इसमें खाना बनेगा तो मखाना चाय हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी घर आ चुका हूँ और दीदी ने पोछा मंगाया था, ये देखिए पोछा लेकर आया। बहुत अच्छी ड्राइंग, बहुत सुंदर। एक और हमने ये बनाया, राधा कृष्ण जी और साथ में मोर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कलर उसका जो भी पापा केले लेकर के आए हैं तो अपने लिए बनाना शेक बनाने जा रहे हैं। तो अभी पापा मार्केट से आए हुए थे तो वहाँ से हमारे लिए केले भी ले आए थे और सुबह मैंने मखाने और चाय खाया हुआ था। और क्योंकि दिन ना बड़े होने लगे हैं और शाम तक इंतज़ार करते करते और दोपहर में मुझे आज इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसे हम सो जाते थे लेकिन व्रत में सोया नहीं जाता है, तो फिर हम मतलब ऐसे ही माँ लक्ष्मी की फ़ोटो बना रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर चाय में मैंने दूध डाला और 1.5 गिलास दूध डाला और ऐसे 4 केले डाल लिए, सभी लोगों को दे देंगे और थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लेंगे। और बर्फ़ डाल करके फिर मैंने चला लिया मिक्सी में और सच में बहुत ही टेस्टी बना था ये बनाना शेक और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। तो वैसे तो हम नहीं बनाते हैं लेकिन आज व्रत था तो ये पापा ले आए तो हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और पूजा में चढ़ाने के लिए भी मैंने रख दिया और ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। तो आज ये दोस्तों बनकर तैयार है बनाना शेक और इसके ऊपर आइसक्रीम डाल करके खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग बताना कि आपका सबसे फेवरेट शेक कौन सा है। वैसे मुझे तो सारे पसंद है, चॉकलेट शेक भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा ठंडा ठंडा बनाना शेक रेडी हो चुका है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए आकर। पापा बोल रहे हैं दोनों ग्लास पी लो। अपन ग्लास भर लो पूरा। ताहे रखूं। तो सब लोग यहाँ पे देखिए टेस्ट कर रहे हैं, अम्मा भी थोड़ा टेस्ट करके बोल रहे हैं। कौन आ गया है जीने में? ए? ये कौन आ गया है भाई? यहाँ भी आ गई है, घर पहचान गई है ना? नहीं देखे। वो देखो वहाँ से मीठी देख रही है। ये देखो इसको सब खिलाओ दे रही थी। ये देखो मीठी है, परेशान। सब बच्चिया खिलाए दे रही रोटी। हाँ, और तुमको नहीं खिला रही मीठी को। हाँ, थोड़ी बहुत खाओ। और सब लोग देखिए कथा सुनने के लिए तैयार। जय माँ लक्ष्मी। तो कथा शुरू करो। जय धनलक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना और सबका कल्याण करना। जय धनलक्ष्मी माँ।
जय गजलक्ष्मी माँ। हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी कर। जय तो अभी कथा वगैरह पूजा आरती सब करने के बाद में तुलसी मैया के पास में भी दीप प्रज्वलित कर देते हैं और उसके बाद में फिर चलिए प्रसाद देंगे। आप लोगों को अभी जाना नहीं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आज ज़रूर से लिखिएगा। तो लीजिए सब लोग प्रसाद खा लीजिए, पूजा हो चुकी है, देखिए सब लोग खा लीजिए। जय लक्ष्मी माँ, खाओ हर प्रसाद। लक्ष्मी माता क्या प्रसाद करें, आप लोग भी प्रसाद खा लो, आके कटोरिया तो खा लीजिए, उनकी कैसी करें। दोस्तों मैं भी प्रसाद खाने जा रहा हूँ और आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों जो भी हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, डेली देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और उसके बाद फिर मेरा ये दूसरे दिन का वीडियो है, पापा के साथ में हम मार्केट गए थे, पापा को अपना टेस्ट वगैरह कराना था और अम्मा की दवा लेनी थी और मम्मी ने कुछ सामान भी मंगाया हुआ था तो इसीलिए हम भी गए हुए थे। दोस्तों अभी ये देखिए पापा की रिपोर्ट आ गई है, कल पापा ने भी अपना टेस्ट करवाया हुआ था तो पापा को भी टाइफाइड निकला हुआ था और डॉक्टर बोल रहे थे कि इस टाइम पर टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है सभी को, तो हीमोग्लोबिन भी कम था और प्लेटलेट भी कम थी, तो दवा भी ले आए हैं और पपीते के पत्ते और कच्चा पपीता भी बताया, तो देखिए सारा कुछ लेके आ गए हैं। अम्मा का तो ठीक हो गया है और अभी पापा ने पहले टेस्ट नहीं कराया था, कल करवाया था, तो ये देखिए सब कुछ लिया है, ये सब खाएंगे। पर यही जूस पिए ना एक पपीता। हाँ यहाँ पे मम्मी मसाला भून रही हैं बुकनू के लिए और हम लोग घर पे बुकनू बनाने वाले हैं। ये देखिए सौंठ और हल्दी को भून करके रख लिया है, इसमें हल्दी डाल दिया है, ये हल्दी भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और भी इसमें सारा मसाला है, ये देखिए सारी जड़ी बूटियों को मसाला है, हींग सौंफ, ये बहेरा है, ये सारा मसाला तेल में भूनेंगे, देखिए और भून चुकी है और ये अजवाइन भी देखिए अजवाइन भी डाला जाएगा। तो दोस्तों जो घर की बनी हुई बुकनू होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, वैसे मार्केट वाली जो होती है वो उतना टेस्टी भी नहीं होती है और फायदेमंद भी नहीं होती है, और घर की जो बनी होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। भूंजी जाती है तो फुसफुसी हो जाती है, कूटो मारो तो फूल फूली है, अभी कम फूली है, तो बड़ी बड़ी हुई है, जंगरा छोड़ी रही है, ये भूंजी है, ये देखो, हाँ ये अच्छा नहीं भूंजी, भूंज गया लेकिन जली नहीं ना, नहीं रही जली नहीं, एकदम भूसभूसी काटती रही, जली जात जली जात, ये देखो सोच लेते ना को ऊपर और नहीं भूंजती, यही करना यही तो पहले जरी गए है भाई हम कर, ये देखो ये टूट गया, हां भूंज गया एक को मसाला अजवाइन सौंफ। तो अभी हम लोगों ने पीसना चालू कर दिया है, देखिए इसमें ना काला नमक भी डाल दिया है, पूरा एक पैकेट डाला है और अभी हम जा रहे हैं करेला भरने के लिए, ये देखिए मम्मी चालती भी जा रही है। तो हमने घर में कैसे बुकनू बनाई है, क्या क्या मसाले डाले हैं, सारा कुछ अच्छे से शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में, तो आप लोग भी बनाइएगा जो नहीं बना पाते हैं, और जो बना पाते हैं वो ज़रूर से बताइएगा। और इसमें मम्मी ने थोड़ी सी खटाई भी डाली हुई थी बाद में और आंवला भी डाला था। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।